हरियाणा की जाबर जालिम खट्टर सरकार ने 9 मई 2020 को ये आदेश जारी कर हरियाणा की 5,10,000 एकड़ किसान की और पंचायती भूमि के अंदर धान बंदी कर दी थी। इसमें कुरुक्षेत्र और कैथल की लगभग 2.5 लाख एकड़ भूमि शामिल है। किसान आंदोलित था, सड़क पर खड़ा था और खट्टर सरकार के खिलाफ पूरी तरह से एक आंदोलन तैयार हो गया था। आज मुख्यमंत्री जी ने घबरा कर ये आनन फानन में घोषणा कर डाली कि ये एक एडवाइजरी थी और किसान की मर्जी है कि वो धान लगाए या ना लगाए। आज हरियाणा के किसान के लिए बड़ी जीत का दिन है। हमने वादा किया था कि कांग्रेस और किसान का गठजोड़ मिलकर खट्टर सरकार को किसान की ड्योढ़ी पर झुकाकर दिखाएंगे। हमने ये साबित करके दिखा दिया, आज किसान के लिए बड़ा दिन है। पर खट्टर साहब, हरियाणा की खट्टर सरकार पर मुझे दया आती है। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री को सरकार के आदेश और एडवाइजरी में अंतर पता नहीं तो 2.5 करोड़ हरियाणवी निर्णय करें, ऐसे शासक को क्या गद्दी पर बने रहने का भी अधिकार है? और खट्टर साहब, आपकी जबान पर हरियाणा के लोगों को विश्वास नहीं। आपने हरियाणा के आढ़तियों को भी ये कहा कि डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगी और बाद में आप बदल गए। इसलिए हमारी 4 मांगे हैं। पहला, 9 मई 2020 का ये काला आदेश जिसको मैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, खट्टर सरकार लिखित में इस काले आदेश को वापस ले। दूसरा, 9 मई 2020 और 23 अप्रैल 2020 के माध्यम से पंचायती ज़मीन पर जो धानबंदी लगाई गई है, जो छोटा छोटा किसान पटे पर लेकर खेती करता है, वो आदेश वापस ले। तीसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर इस चिलचिलाती गर्मी में किसानों को पीड़ा देने वाले इस आदेश को जारी करने के लिए बगैर शर्त हरियाणा के किसानों से सर झुकाकर माफ़ी मांगे। चौथा, दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल, जिससे हमारा भूजल का स्तर ऊपर जाएगा, उस प्रोजेक्ट को खारिज करने के लिए खट्टर साहब माफ़ी मांगकर उस दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल प्रोजेक्ट को दोबारा चालू किया जाए। ये 4 मांग खट्टर सरकार को हरियाणा के किसान की माननी पड़ेंगी। ये हमारा प्रण भी है, संकल्प भी है और हमारा उनसे निवेदन भी है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? चंडीगढ़ में भी करेंगे इसको लेकर, मिलेंगे आप राज्यपाल को कि सरकार ने आनंद फानंद में ये फैसला लिया था? आज खट्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने इस आदेश को वापस ले लिया है। मैंने जैसा कहा, हमारी मांग है, खट्टर साहब को शायद एडवाइजरी और आदेश के अंदर फर्क मालूम नहीं होगा, पर सरकार का आदेश होता है वो मुख्यमंत्री की जबान से वापस नहीं होता, वो लिखित में वापस लेना पड़ेगा। खट्टर साहब, ये आदेश वापस लीजिए और 9 मई और 23 अप्रैल 2020 का पंचायती ज़मीन पर धानबंदी का आदेश भी वापस लीजिए और हरियाणा के किसान से उसको पीड़ा और घाव देने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला माफ़ी मांगे। और यही नहीं, दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल प्रोजेक्ट जो उत्तर हरियाणा की जीवन रेखा है, उसे फौरन चालू किया जाए और उसे बंद करने का आदेश भी वापस हो। क्या लगता है आपको, इस दौरान कहीं अलग अलग बयान नेताओं के जिस तरह से सामने आए, दुष्यंत चौटाला अलग बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग बयान दे रहे हैं, तो लगता क्या आपको सरकार में क्या चल रहा है? खट्टर सरकार का एक ही तरीका है, लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना, बहकाना। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर के ये आदेश क्या है खट्टर साहब? ये आदेश है, एडवाइजरी नहीं। आप जब फंस जाते हैं तो यू टर्न ले लेते हैं, फिर अपने ही आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं। दुष्यंत चौटाला एक भाषा बोलते हैं, अनिल विज साहब एक और भाषा बोलते हैं, कृषि मंत्री एक भाषा बोलते हैं, बिजली मंत्री एक भाषा बोलते हैं, मुख्यमंत्री एक भाषा बोलते हैं। ये सरकार चला कौन रहा है ये किसी को मालूम नहीं, पर किसानों से इस जाति के लिए खट्टर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हमारी मांग है।